تهي خيبر روحي پيامبر موني كوثر حيدر قبلاي عالم كعبة و زمزم محرم و محرم حيدر نعمل اميري خم غديري شيري دليري حيدر اسم تو تكبير قوة شمشير آية تطهير حيدر يا علي مولا يا علي مولا يا علي مولا يا علي مولا. एक और चीज़ है जो आजकल रसाना है ये ग्रुही में सोशल मीडिया में, सबसे पहले तो ये चंद एक नाआकबत अंदेश लोग वो टीवी का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद के जिनको भाई अगर आपको टीवी चलाना नहीं आता है, आप क्या यहाँ पर इस काम के लिए बैठे हुए हैं कि आप शिया और सुन्नी की आपस में लड़ाई करार दें? हम अहले तशी का नज़रिया है, हमारी फ़िक्ह के अंदर रिवायात मौजूद हैं, हम सब इस बात को कबूल करते हैं कि दो अक़्द निकाह हैं, एक निकाह दायम है और एक अक़्द मुअक्कत है। आप इस चीज़ को मसखरा करेंगे टीवी के ऊपर बैठ के? एक एंकर खातून सी, उसने एक ऐसा पता नहीं आतिश लगाई है वो बोल टीवी के ऊपर बैठकर, वहाँ पर बैठ के जैसे ये पूरे के पूरे इस्लाम का फैसला करना चाहते हैं। चंद एक अफराद को वहां पर बिठा लेते हैं, जान बूझ के एक ऐसा जुमला बोल देना जिससे दो तरफ के मौलवी साहब हजरात जो है ना वो आपस में जो है वो जुमलाबाजी हो रही। अब वहां पर क्या होता है, फिर हमारी सारी कौम भी इन्वॉल्व हो जाती है। वो उसके बना लेते हैं क्लिप्स बना लेते हैं, वो अब क्लिप्स व्हाट्सएप पर जा रहा है, वो ट्विटर पर जा रहा है, वो फेसबुक पर जा रहा है, कमेंट्स आ रहे। इस वक्त पूरा हफ्ता वो जो अमीन शहीदी साहब की जो गुफ्तगु हुई है और जो उस नाआकबत अंदेश खातून ने और फिर वो मुफ्ती ना मुबारक जो है ना वो जो जुमलात बोलता है, भाई हमारा नज़रिया है। आप वो कहते हैं कि जी दर वक्त खैबर, अब पैगंबर ने वो मना कर दिया था पहले, पहले दुरुस्त था, तो इतना तो साबित हो गया ना कि पैगंबर के ज़माने में जायज़ था, और आप ये कहते हैं कि पैगंबर ने खैबर के मौके पर उसको हराम करार दिया। हम उन रिवायात को जो जिस मनाबे से आप लेकर आते हैं कबूल ही नहीं करते हम, बल्कि हम आपके सामने वो रिवायात पेश कर सकते हैं कि जिसमें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जब ये एतराज़ किया है तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था जाओ आके पहले पूछो जाकर अपनी वालदा से कि तुम्हारा तुम खुद किस तरह से वजूद आए हो। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा जाकर, उसने कहा कि पहले तेरे बाप से मैंने सीगे मुता किया था, बाद में सीगे दायम किया है, अक्द दायम किया है। तो ये रिवायात मौजूद है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। अब इन बातों को हम नमाज हाय जुमा में लेकर आए, इन बातों को आप टीवी पर लेकर आए, क्या किया जाए? मजबूर हो गए हैं कि अब ये ऐसी एक रसाना है गुरु ही में ये बात फैल चुकी है कि इसे नाआकबत अंदेश, इसे ऐसे लोगों के ऊपर सब पाबंदी लगानी चाहिए कि बस तुमने आकर टीवी पर बैठकर इस तरह की गुफ्तगु करके, ठीक है निकाय मुता के ऊपर आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, तो निकाय मिसयार का क्या करोगे? निकाय मिसयार के अंदर तो देखिए ये जितने भी हैं ना उमूर, एक हैं ये जितने जिस तरह से है ना ये बय है या दूसरी चीज़ें हैं, ये इमजाई हैं, इबादत जो हैं ये इमजाई नहीं है, ये खुद पैगंबर ने फरमाई है कि इस तरह से इबादत करनी है। निकाह के मामले में कि आया ये इमजाई है या इमजाई नहीं है, पहले था लेकिन ख़ास ख़ास मवारद बयान की, आपने इससे शादी नहीं करनी, इसके साथ शादी नहीं हो सकती, तलाक हो तो फलां फलां से शादी हो सकती, फलां से शादी नहीं हो सकती, ये सारी कयूदात आया इस्लाम से पहले मौजूद थी, कुछ थी और कुछ मौजूद नहीं थी, इस्लाम ने आकर बयान की। इस वास्ते निकाह को तुम बे और शरा की तरह से करार नहीं दे सकते, इसी वास्ते इसमें अरबियत शर्त है, इसके अंदर अरबियत शर्त है। और निकाह दायम के अंदर भी जो अहकाम है वो पैगंबर ने फरमाए हैं, जिसके अंदर यह है कि तुम हक नहीं रखते कि ये कहो कि मैंने शर्त कर ली है कि बीवी जो है ना वो हक के इर्स नहीं रखती। निकाह दायम के अंदर पैगंबर ने करार दिया है कि नफका भी वाजिब है और इर्स भी देना पड़ेगा औरत को। आप जो है निकाह मिसयार के अंदर कहते हैं जी इर्स ही नहीं है, तो आप बरखिलाफ अब बिदत नहीं कर रहे आप? अगर ये बातें तो फिर सारा दर से खारिज उठा लेते हैं और दर से खारिज जाके उठाकर नमाज हाय जुमा में और टीवी के ऊपर और इधर जाके बयान करते हैं। ये बातें हैं इल्मी, इन बातों को बैठ कर बयान करें वो लोग जो तखस्सुस रखते हैं इस मवारिद में, इनको उमूम में मर्दों के अंदर आता। मैंने आपको भी बयान किया था, किसी को कुछ समझ आई होगी, किसी को समझ अक्सरों को भी समझ ही नहीं आई होगी कि मैं क्या कह गया हूं। तखस्सुसी मतालब है, स्पेशलिस्ट मतालब है, आप इनको बिठा के टीवी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं।
तो क्या आप वहां पर टीवी पे बिठाकर आया, आप अकदे मुतअ को जो हमारी पूरी फिक कहती है कि जायज़, सारे फुकहा कहते हैं कि जायज़, आप उसको हराम करवा लेंगे या आप जलील करना चाहते हैं? यानी एक मकतब फिक्र को वहां पर बैठ के पांच छह आदमी को एक के पीछे लगा दिया, आप जलील करना चाहते हैं? भाई आप वहां पर बैठ के वो बात करो जिससे लोग आपस में एक दूसरे के करीब हो सके, और फिर ये जो एक इदारा बना हुआ है इनको कंट्रोल करने वाला, उनको चाहिए कि ऐसे अफराद को कंट्रोल करे, ऐसे अफराद के ऊपर जो इस किस्म का टीवी है उस पर पाबंदी लगाए, और वो जो मखसूस है जो इस किस्म के एंकर, उनको दोबारा आने ही ना दे। इससे तो लोगों के दरमियान आपस में तनफर होता है। एक सलवात पढ़े बार मोहम्मद व आल मोहम्मद। दूसरा मतलब जो तवज्जो दिलाने वाला है वो है कि अब इज्तिमाआत चंद एक आगे करीब हैं, और कोरोना की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्तबे है। हर दूसरा और तीसरा आदमी जो है ना इस वक्त कोरोना में या कोरोना की किसी वजह से उससे मुबतला है। मैं तो ये समझता हूँ, बाकी आप लोग ख़ुद बेहतर जाने, कि इज्तिमाआत से जो है ना थोड़ा सा गुरेज करें, कि अगर आपको यकीन है कि मैं फ़लाँ इज्तिमा में जाऊँगा जिसकी वजह से आप मरीज़ हाल हो जाएंगे या उस किस्म की सिचुएशन में गिरफ़्तार हो जाएंगे, आपके खानवादे के अफराद उसमें हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जाना जायज़ नहीं होगा। खुदावंद मुताला आपको तूल उम्र इनायत करे, खुदावंद मुताला आपको रिज़्क वसी इनायत करे, कि साल हा साल ज़िंदगी करें, इंशाल्लाह इस कोरोना की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे तो इन सारे इज्तिमाआत को हम और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप अंजाम देंगे। और ये जो वैक्सीनेशन है, बाज वैक्सीनेशन के ऊपर भी अजीब अजीब बातों को फैला रहे हैं, ये सारी बातें फजूल हैं। देखें ये जो डॉक्टरी है ये ख़ुद एक इल्म है, जो तजुर्बी इल्म है, इसके अंदर इस जो डॉक्टर जो है इसके ऊपर तजर्बा करते हैं, मुतअद्दिद अफराद के ऊपर तजर्बा करके, तभी तो डेढ़ साल के बाद ये वैक्सीन आई है। और ये भी ना समझे कि ये जो वैक्सीन आई है ये इख्तिताम है, अभी भी और भी इस कोरोना की मुख्तलिफ अकसाम आ रही हैं इस वक्त, तो उसके लिए भी मज़ीद मज़ीद ये काम होता रहेगा, चलता रहेगा। अभी भी आप देख लें पोलियो की जो सबका वैक्सीन होती थी, अब की जो वैक्सीन है उससे कहीं दर्जा जहत याफ्ता तर है, तो ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बहरहाल जो 50 साल की उम्र के अफराद हैं या 40 साल के, जिस तरह से ये ऐलान हुआ है, अपने आप को महफूज करें इसकी वैक्सीन से, और उन चीज़ों से इस पाक घर में सफाई सुथराई रखें, इर्द गिर्द सफाई सुथराई रखें, और कोरोना से जो है ना और इसकी मुश्किलात से, और ये इस तरह से ये मास्क है, गवर्नमेंट कह रही है और बार बार कह रही है, अमल करना ना करना तो आपका अपना काम है, तो ख्याल रखें इस चीज़ का और इसके ऊपर अमल किया जाए। दूसरी चीज़, एक तीसरी चीज़ जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी, ये महकमा कज़ा में जैसे मैंने सबका जो है खुतबे के अंदर भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, कि ये अदालतों के अंदर ना मुनज़्ज़मी होना है, लोग अदालतों की वजह से और अदालतों के अंदर रवैये की वजह से और जो तरीक़ाकार है जिसकी वजह से 30-30 साल 40-40 साल बाद लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं, उसके बाद उनकी औलादें भी उस मुकदमात को लेकर चल रही होती, कुछ सोचना चाहिए बहरहाल, कि हर दफ़ा आते हैं और आकर जो है ना अपने ख़ास प्रोग्राम के अंदर लगा देते हैं कि हमने ये काम ठीक करना, करते कोई भी नहीं है। आखिर ये कब तक ये वज़ रहनी है, ये ना हो कि पानी जो है वो सर से ऊपर चला जाए। तीसरी चीज़ जो मुझे आज के मतालब के अंदर बताना था वो ये है कि ये जो हमारा निज़ाम चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम, इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर लोगों की मुश्किलात हल नहीं हो रही, लोग शदीद मुश्किल के अंदर हैं, हमारे पास भी आते हैं, इजहार भी करते हैं। अज़ लिहाज़े मुमकिन है कि पाकिस्तान की सूरत हाल अज़ लिहाज़े वज़ारत खारजा के और वो अच्छी भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर बहुत खुशहाल हैं, कौम भी खुशहाल है कि अमरीका के पंजे पाकिस्तान से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और हम उस चुंगल से बाहर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी सूरत हाल है कि इस निजासत को जो है ना अब लोगों को समझ आ गया है कि इस निजासत को पाकिस्तान से बाहर करना है। लेकिन बहरहाल निज़ाम चाहिए, दुरुस्त निज़ाम चाहिए, ऊपर वाले जो अफराद हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं या बाद वाले, उनकी नीयत बहुत अच्छी होती होगी, नज़र तो तब आए ना, कि जब हमें एक बंदा यहाँ पर कह रहा था कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो पालक है ये यहाँ पर 30-35 रुपए बिक रही थी, बता रहे थे चौधरी साहब, जबकि वहाँ पर 8-9 रुपए है मंडी के अंदर, तो मंडी से जो यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर है उसको ये इस हमारे एरिया में आते आते क्या पर लग जाते हैं कि जिसकी वजह से 100 रुपए किलो हो जाती है, तो क्या पर लग जाते हैं, क्या निज़ाम नहीं है?
इन अफसरान को किसने कंट्रोल करना है? आपने वोट नहीं लिए, आपने वोट इसलिए लिए थे इनको कंट्रोल करें, आपने वोट लिए थे कि इन निज़ाम को दुरुस्त करें। आप अपनी ज़बान को उस वक्त रोकते ही नहीं थे, हर किस्म की ज़बान आप चलाते थे, लोगों को आप सिर्फ सिर्फ जो है ना ये दिलासे देते रहेंगे। 3 साल या 3.5 साल जो भी वक्त है वो गुजर गया और कोई वक्त मज़ीद रह नहीं गया। इस तरीके से हालात बदतर होते चले जाएंगे। ये जो इंतखाब हुआ है कराची के अंदर, ये इजहार कर रहा है कि लोग अदम इत्मीनान का शिकार हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे और इसी तरीके से फजूल और नाअहल अफराद को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो ये लोग इसको जो है ना तब्दील करेंगे और इनको अक़ल के साथ जो है अक़ल के नाखुन लेने चाहिए। और खुदावंद मुताल पाकिस्तान को मुवफ़क फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अज़ लिहाज़ यानी खारजा पॉलिसी के ये जो अमेरिका के चुंगल से निकल रहा है और ना कह रहा है, ये बराए रास्त हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असरानंदाज है। ये जो अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर ज़ियाउल हक ने ये जो गलत फ़ैसला किया कि हम उसके अंदर गए, उसका नतीजा कलाशंकोफ कल्चर था जो हमारी सोसाइटी के अंदर आ गया और उसको आपने 90s के अंदर और सन 2010-11 से बाद तक आपने यहाँ तक नमाज आए जुमा में हम जब यहाँ पर जुमा पढ़ाने के लिए आते थे हमें पता नहीं होता था कि पता नहीं क्या हो जाए। आप ख़ुद जो नमाजी हजरात आते थे आप ख़ुद भी इस मुश्किल का शिकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और माफोक और गैर आदी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सूरत हाल थी कि एक जगह से जो है वो नकल मकानी होती है और नकल मकानी करके मुतअद्दिद लोग सवात से आते हैं बाहर, फिर वहाँ से इन नजासतों को बाहर निकाला जाता है, फिर लोग दोबारा वहाँ पर जाकर आबाद होते हैं, ऐसा दुनिया ने कमतर देखा है। और जो पाकिस्तान में हुआ है कि आपकी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन किया और वो सवात को और उसके अलावा वज़ीरिस्तान को सफाई की है, लेकिन दोबारा जाकर अफ़गानिस्तान के खाते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यमन के मामले में भी हमने भी आवाज़ उठाई, दोस्तों ने भी आवाज़ उठाई और बात भी पहुंची और यमन के मामले के अंदर पाकिस्तान नहीं गया। वल्ला अगर वो सबका ज़ियाउल हक और उसकी रविश वाले लोग होते तो वो 4 टकों के लिए जैसे हर किसी की जंग के अंदर ममलिकत को फंसा देते थे, इसमें भी कहीं ना फंसा देते तो हमारे फौजी उधर मर रहे होते खुदा ना खास्ता। और कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल मुहतात रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आयदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, हर तरफ से पाकिस्तान को खतरात लाहक हैं, खा वो मशरकी बॉर्डर है खा वो मगरबी बॉर्डर है। सही फैसले करने का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सही फैसले ये कर रहे हैं। खुदावंद मुताल इस ममलिकत को कि जो शहदा के खून से वजूद में आई है इसकी मुहाफ़ज़त फरमाए।